हेलो एवरी वैन दिस इज जस्सी एंड यू ऑल आर वॉचिंग जस्सीओपीडिया तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टॉक अबाउट द मुद्दा तो लास्ट मेरी जो वीडियो थी जिन्होंने मेरी वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट दैट तो मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी वो हैविल्स के प्रो लाइफ ग्रैंड जो एयर फ्रायर है उस पर बनाई थी और मैंने उस टाइम ये प्रॉमिस किया था कि जब मैं इसे यूज़ कर लूंगी तब मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप सबके साथ शेयर करूँगी बिकॉज uh, मैं क्या करती हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस पे ही बेस्ड होती है मेरी जो वीडियोस होती है मैं बायस्ड वीडियोस नहीं बनाती हूँ तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है डेफ़िनेटली आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू तो सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं हेवल्स का प्रो लाइफ ग्रैंड एयर फ्रायर के बारे में बात कर रही हूँ जिससे कि जिसकी सेवनटीन हंड्रेड वोट्स की मोटर है और कहा जाता है कि ये एट्टी टू नाइन्टी परसेंट लेस ऑयल यूज करता है खाना बनाने में प्लस थ्री सिक्सटी डिग्री इसका एयर टेक्नोलॉजी है प्लस इसमें आपको टेन प्रीसेट मेन्यूज ऑप्शन मिल जाते हैं बाकी के एयरफ्रायर्स मार्केट में हैं तो उनके कंपैरिजन में इसमें फीचर्स ज़्यादा हैं नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि इसे यूज़ कैसे करते हैं जो मेरे पास क्वेरीज आई थी वो ये है कि इसे यूज़ कैसे करते हैं देखो मैं आपको अपना रिव्यू बताऊंगी कि मुझे पर्सनली कैसा लगा बट उससे पहले आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि इसे हम यूज़ कैसे करते हैं तो इसे यूज़ करने के लिए एक सिंपल हमें uh, uh, जो इसकी टेक्निक है वो यूज करनी होती है तो लेट्स सी अबाउट दैट तो पावर का स्विच ऑन करने के बाद ये ग्रीन बटन जलेगा उसके बाद ये एम दिखाई देगा एम का मतलब है मेन्यू जो आपके प्रीसेट ऑप्शंस हैं उसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं पी मींस आपको थ्री मिनट के लिए प्री हीट करना है फाइव मिनट्स अगर आपको फाइव मिनट के लिए प्री हीट करना है जो राइट हैंड साइड पे बटन हैं ये आपका टेम्परेचर प्लस माइनस करने के लिए है और लेफ्ट हैंड साइड वाले आपका टाइम तो आपने देख लिया हम इसे कैसे यूज़ करते हैं अच्छा अब मैंने ना इसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई क्योंकि बिना चीज़ें बनाए तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ नहीं शेयर कर सकती ना तो मैंने इसमें चाप टिक्का बनाया मैंने इसमें पनीर टिक्का बनाया मैंने इसमें आलू फ्राई किए मैंने इसमें फ्रेंच फ्राइज बनाए और देर आर मेनी मोर थिंग्स जो मैंने इसमें बनाई थी तो मैं आपको उसका एक डेमो देना चाहती हूँ कि इसको मैंने कैसे यूज़ किया तो वो भी देख लेते हैं ठीक है तो ये मेरे पास मैरिनेटेड चाप है जिसको मैंने मिनट पहले मैरिनेट करके रखा था अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया रेड बटन को प्रेस करेंगे तो ये प्री सेट मेन्यू में हम चले जाएंगे एंड देन पी का मतलब है थ्री मिनट के लिए आप इसको प्री हीट करेंगे मैं मैंने क्योंकि चाप बनानी है मैं इसको तीन मिनट के लिए मैंने प्री हीट कर लिया जैसे ही प्री हीट हो जाएगा वो ऑटो अलार्म बजेगा अपने आप और वो बंद हो जाएगा अब मैंने क्या करना है ये बास्केट को मैंने ग्रीस कर रही हूँ अच्छे से ऑयल घी जिससे भी आपको ग्रीस करना हो आई वुड प्रेफ़र बटर तो मैंने ये बटर के साथ इसको ग्रीस कर लिया और मैं चाप के जो पीसेस हैं जो मैरिनेटेड पीसेस हैं मैं उनको इवनली इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी सो दैट जो इसका ये है कि थ्री डिग्री एयर टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से ये अच्छे से सारी तरफ से कुक हो जाएगा देखिये देखिए 190 पर मैंने टाइम सेट कर दिया है तो इसके हिसाब से अब मैं बीच बीच में इसको अगर निकाल कर हम देख भी लेते हैं और बीच में निकाल कर जब मैंने देखा कि ये हाफ डन हो गया है तो मैं इसको एक बार फिर से ग्रीस कर रही हूँ वापस बटर के साथ इसको मैंने ग्रीस कर दिया अच्छा आप ऐसे ही निकालेंगे आपको ऑफ करने की जरूरत नहीं आप ऐसे ही निकाल लीजिए जब आप वापस इसको लगाएंगे तो आपका जो बचा हुआ टाइम है वो ये रिज्यूम कर लेगा तो इसको अब हम वापस लगा देते हैं ये आपने वापस देखिए स्लाइड बटन का ध्यान रखना है वापस लगा दिया तो ये जब आपका हो जाएगा वापस ऑटो शेट ऑफ हो जाएगा तो अभी इसको ये जब तक ये घूम रहा है ना और तब तक आप इसको मत छेड़िए उसके बाद इसमें अपने आप से बीप बजने लगेगी स्लाइड को हम हल्का सा टच करेंगे ये हमारे पास ये चाप बिल्कुल रेडी हो चुकी है एंड बहुत टेस्टी बनी थी बहुत ही अच्छी बनी थी एकदम तंदूर में जैसे बन के आती है ना इट वॉज़ वेरी नाइस बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला थोड़ा सा मैंने नींबू स्प्रिंकल किया है एंड इट टेस्टेड वेरी गुड अब बात करते हैं इसकी क्लीनिंग की क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इसमें आपने ब्रश नहीं मारना है कोई भी स्क्रब नहीं मारना है कोई ब्रश नहीं मारना है आपने इसको कैसे क्लीन करना है पहले तो आप ये स्लाइडर को हटाएंगे ये देखिए स्लाइडर को ऊपर किया ये बटन नीचे है इसको आप प्रेस करेंगे ये बास्केट आपकी ऊपर आ जाएगी अब आप कोई भी किचन टॉवल ले लीजिए क्योंकि ये मसाला बिल्कुल सूक्ष का होता है और वो नीचे नॉन स्टिक है आपका तो ये आप कोई भी किचन टॉवल लेकर आप उससे नॉर्मली इसको ऐसे ही क्लीन कर लीजिए ये ऐसे क्लीन हो जाएगा आपको स्क्रबर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको लगता है कि ये क्लीन नहीं हो रहा देन इसमें थोड़ी देर के लिए वाटर डाल के रख दीजिए तो भी ये मसाला सारा ऊपर आ जाएगा एंड इट विल बी क्लीनड एब्सल्यूटली नाइसली कोई ज़रूरत नहीं है इसको बहुत ज़्यादा स्क्रब करने की या कुछ भी और करना भी नहीं है क्योंकि उससे इसकी नॉन स्टिक कोटिंग जो है वो खराब हो जाएगी तो हमें वो चीज़ नहीं करनी ये देखिए बास्केट एकदम से क्लीन हो गई है और हमारा जो इसका नीचे का पैन है वो भी बिल्कुल क्लीन हो गया है तो ये अब रेडी है दूसरी बार यूज करने के लिए वापस से इसको लगाने के लिए उसी बटन को हम प्रेस करेंगे और इसको स्लाइड को वापस लगा देंगे देख लिया आपने? इतना मस्त बना था, इतना मस्त मस्त टिक्का टिक्का बना बना था, था खैर, अगर आपको रेसिपी का वीडियो देखना है तो आप मेरे कुकिंग चैनल पर जा सकते हैं इट इज फूड का एटीट्यूड आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो आप उस पर जाइए देयर आर मेनी रेसिपीज एंड यू कैन चेक दैम आउट एज वेल अब बात करते हैं मेरे रिव्यू की कि मेरा इस एयर फ्रायर के बारे में क्या रिव्यू है तो फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स गुड इट्स एक्चुअली गुड मैंने बहुत 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 मतलब जब भी मैंने चाप बनाई उसको डीप फ्राई किया डीप फ्राई नहीं करते हैं तो उसमें मॉइस्चर लॉक नहीं होता मॉइस्चर लॉक नहीं होता तो उसका वो जो आफ्टर टेस्ट आता रहता है मुंह में लेकिन दिस वॉज द बेस्ट चाप टिक्का विद आउट फ्राइंग हार्डली दो चम्मच तेल में बना है सीरियसली प्रोटीन्स तो हैं ही है ही हैं इसमें लेकिन जब अगर आपने बिना फ्राई किए उसको बना लिया तो वो बहुत हेल्दी बन गया और घर में सबने बहुत इन्जॉय किया इट वॉज़ वेरी वेरी गुड बहुत अच्छा था पनीर टिक्का भी ऑसम awesome बना था बस एक वो जो फ्लेवर होता है ना जो तंदूरी फ्लेवर होता है वो थोड़ा सा मिसिंग था बट उसकी भी टेक्निक है मेरे पास वो मैं देख लूँगी कैसे करना है <laughs> तो वो मिसिंग था अदरवाइज इट वॉज़ वे टू गुड मैंने इसमें आलू फ्राई किए बिना ऑयल के बिना एक बूंद ऑयल के मैंने मतलब छोले बनाए थे उसमें मैंने आलू डालने थे तो वो फ्राइड आलू डालते हैं तो मैंने बिना एक भी बूंद तेल यूज़ किए इसमें आलू डाले हैं बहुत अच्छे बने थे तो ये तो है मेरा जेन्युइन रिव्यू कि मैं अपने एयर फ्रायर से वेरी वेरी हैप्पी और हाँ मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मुझे ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए ऑल द थम्स अप फॉर यू हंड्रेड एंड टेन परसेंट यू शुड गो फॉर इट Uh, बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया तो यू मस्ट बाय दिस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ या एक नए एडवेंचर के साथ या एक नए वेकेशन के साथ या ऐसे ही बिना मतलब पे चलिए यू देन टाटा बाय